हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से स्टार्ट करती हूँ मैं। जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अपलोड आपका थोड़ा देर में होगा बिकॉज नेटवर्क इशू बहुत है, और नेटवर्क इशू की वजह से आपको थोड़ा देर रिप्लाई मिलेगा, वीडियो लेट मिलेगा। आज बारिश हो रही है उसकी वजह से नेटवर्क इशू है, आप देख ही रहे हो सर्चिंग में आ रहा है। बिकॉज मेरे पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, मैं जस्ट मोबाइल के नेटवर्क से ही वीडियो बनाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हरप्रीत कौर का मैसेज है कि गुड मॉर्निंग मैम, क्या हुआ? तो अनु मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरा एग्ज़ाम की होया? तो अनु मैम, मैनू की होया डियर, मैंने कब बोला कुछ हुआ है? मेरा क्वेश्चन है, मेरा एग्ज़ाम जो है डेटशीट भी आ गई, और जो मेरा रिपेयर के एग्ज़ाम एमबीए की डेट शीट में मेरा रिपेयर एग्ज़ाम बी की डेट शीट हो गई मैम वैसे। और मैम, मेरा एमबीए रेगुलर के भी एग्ज़ाम उसकी भी डेट शीट आ गई है। ओके डियर, मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। आपको अगर उसमें डेट शीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट क्वेरी में डालिए, वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। इसी वजह से तो प्रपोज डेट शीट आई है, फाइनल डेट शीट नहीं निकाली, बिकॉज काफ़ी सारे क्लैश भी होते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। करमजीत कौर का है, हेलो मैम, कैसे हो आप? डेस्कटॉप ओपन करने के बाद ही फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है कि मैम बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस बच्चे, नेटवर्क इशू है, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। अभी मैं खुद नेटवर्क इशू की वजह से सफ़र कर रही हूँ, तो मैं भी साइट ओपन करती हूँ तो मुझे भी ओपन नहीं हो पाती है कई बार साइट, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वो नेटवर्क इशू की वजह से, नेट नहीं चल रहा है सही तरीके से, उसकी वजह से आ रही है। बारिश के कारण ये हो रहा है, इसकी वजह से आ रही है। करण शर्मा, हेलो सिस, मैंने डायग्राम की सी और किसी और से बनवाया, बट उसमें लिखा मैंने अपनी हैंडराइटिंग से, कोई इशू तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं होगा करण। अंजलि कुमारी मैम, मेरी आईडी खुलती जल्दी पीटीयू पे बार बार एरर आ जाता है। बच्चे, क्रोम में ओपन करो, और क्रोम में जब ओपन करते हो तो सारे अपने ऐप डाउन जो है डिलीट कर दिया करो। मैम, एक वीडियो बोला था कि पेपर अपलोड करें गया वो फेल होगा, तो मैम आपने एक वीडियो बोला है जो पेपर लेट अपलोड करेगा वो फेल हो जाएगा, अपने मुझे क्यों बोला पेपर लेट अपलोड करें? तो क्वेश्चन मैं दोबारा रीड करती हूँ, क्वेश्चन नहीं मैं समझ पा रही हूँ। दानिश का क्वेश्चन है, मैम आपने एक वीडियो में बोला था कि, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अलर्ट कर दूं अभी से थोड़ा सा, तभी वो लेट ना ही करें तो इशू ना ही हो तो वो अच्छी बात है ना। ये मान लीजिए कि 5-10 मिनट लेट हो जाता है तो वो तो चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होगा। 1 घंटा लेट हो जाता है तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। सेम डे मेल चली जाती है तो इतना इशू नहीं होगा, बट आपके जैसी गलतियाँ फिर बच्चे, वो भी बच्चे ना करें जो आने वाले एग्ज़ाम जिनके हो रहे हैं वो गलतियाँ ना करें। तो मैं इसलिए अलर्ट कर रही हूँ बच्चों को कि ना करें वो मिस्टेक, यही बोल रही हूँ मैं, ठीक है? आपके लिए मैंने बोला था क्योंकि आप टेंशन लोगे पेपर देके, एग्ज़ाम देके टेंशन लोगे, इसलिए मैंने बोल दिया था। कोई इशू नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स ये इशू हो भी सकता है, अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है, बेटर है कि मैं पहले ही अलर्ट कर दूँ। वीरपाल मैम, पीटीयू हरप्रीत तो मेल आई सी की अपनी रॉन्ग आंसर शीट फाइल IKG पीटीयू ते मेल सेंड करो मैम, मैं करती हूँ, मेरी आंसर शीट एक्सेप्ट हो जू? हाँ जी, हो जूगी शीट एक्सेप्ट। जसलीन का मैसेज है, मैम मैं अपने कल वाले एग्ज़ाम विच एक क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिता, पर क्वेश्चन लिखा वा कंप्लीट, एदा मैम कोई इशू तो नहीं होया मार्क्स विच? मैम जिदे क जदों 1 आर आंसर शीट अपलोड ना होवे तां मैं मेल कर देवां सेंड ते, पर बाद विच चैप्टर सेकेंड थर्ड CH 2-3 घंटे तक अपलोड हो शीट अपलोड हो भी हो जाती वा टाइम तक, इदां कोई यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग एग्जाम चेकिंग च कोई प्रॉब्लम तो नहीं आऊगी? प्लीज़ दस्यो मैम।
जसलीन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि मैम मैंने अपने वाले में एग्जाम विच एक क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिता सी। क्वेश्चन नंबर का इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो आंसर रीड करके ही आपको मार्क्स मिलते हैं मोस्टली, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वन आर आंसर शीट अपलोड ना हो तो दोबारा ते पर बाद च शीट 2-3 घंटे तक, हाँ अगर अपलोड हो गई है सेम डे तो इतना इश्यू नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बट उसी टाइम आप मेल कर दिया करो IKGPTU OBE AS पे, वहाँ पे आंसर शीट को मेल कर दिया करो, उसके बाद फिर ट्राई करते रहा करो। अमित कुमार मैम, जिवें कि हुण 2020 बैच दे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम शुरू होन जा रहे ने अगस्त मंथ विच, तां फिर मैम असी जेड़ी शीट ने उन्हां नूं पेपर तो बाद ही पोस्ट करना है, जां फिर असी उन्हां शीट्स नूं इकट्ठे करके लास्ट पेपर दे टाइम ते सारयां नूं पोस्ट करूंगे, ये गल दस्सियो मैम, इकट्ठे करना है जां एक एक करके? बच्चे इकट्ठे करना है, लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन जब आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपने स्पीड पोस्ट करना है। अमित ठीक है, धवल का है OB मोड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केस स्टडी होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं? धवल सब्जेक्टिव टाइप में आपकी सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और एक आधा क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। करण शर्मा, हेलो सिस, जैसे मैंने क्वेरी डालते उसके बाद अगर डिलीट कर दे, नहीं इसमें कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पे लिखा आता है क्वेरी रिमूव्ड सक्सेसफुली, हाँ कोई नहीं ऐसा कुछ आता तो नहीं, बट अगर आ भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। धन्याल मैम, कैसे पता चलेगा कि पोस्ट IKGPTU के आस पास गया है कि नहीं? आज जो मेरे भाई के हम पोस्ट किए थे नंबर होता है उससे हम ट्रैक किए, वे कुछ कंसाइनमेंट डिटेल नोट फाउंड बता रहा है। यस बच्चे, अगर आज ही किए तो आज ही आपको थोड़ी मतलब आपका पोस्ट जो है वो पहुंच जाएगा, उसको मतलब कि पोस्ट होने में 1-2 दिन वो लग जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, अभी प्रेजेंटली आप आज पोस्ट करके आए हो तो वो अभी शॉप वाले के पास ही होगा, अभी पोस्ट नहीं हुआ होगा, डाकखाने के जो जहाँ से भी पोस्ट किया है उनके पास ही होगा, जब वो पोस्ट करेंगे तो आपको तब इंफॉर्मेशन जो साथ साथ मिलती रहेगी, कल परसों 2 दिन रुक जाओ उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। हर्षराज मैम, एक बात पूछनी थी, अगर हमारे फर्स्ट से और थर्ड सेम के पेपर ऑफलाइन हुए थे और रिजल्ट आने के बाद कोई पेपर में सप्ली आ जाती है तो वह पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, कब तक होंगे वह पेपर? बच्चे ए फर्स्ट एंड थर्ड सेम के पेपर जो ऑफलाइन हुए थे उसका रिजल्ट मतलब कि उसमें सप्ली आई तो उसके एग्ज़ाम जो हैं वो फॉर्म आएंगे तो मैं बता दूंगी, वो आपके ऑफलाइन ही होंगे। कृष्णा, हेलो मैम, यू आर बिग फॉलोअर फ्रॉम नेपाल, यू आर डूइंग जॉब, हैट्स ऑफ यू टू मैम। एक्चुअली मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि, थैंक यू कृष्णा, प्रॉब्लम है कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैंने सभी आंसर शीट वेरीफाई भी कर दी, पर नेपाल और इंडिया के टाइम में ऑलमोस्ट 15 मिनट का डिफरेंस है। सो मैम वैसे तो सभी आंसर शीट मैंने वेरीफाई भी कर ली और से बच्चे 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा भी कोई इशू नहीं होगा, एक दिन मतलब सेम डे आपको अपलोड करना होता है, सेम डे आपको अपलोड करना होता है और सेम डे ही आपको मेल करनी होती है, अगर आप वो आपका हो जाता है उसमें से एक भी हो जाता है तो आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, कर ली और सेव ईमेल भी रोज़ कर दें, हाँ ईमेल कर दी तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वजह से और लोकेशन भी नहीं सपोर्ट लेता था हमारा, इसलिए कोई इशू नहीं है कृष्णा उसका। धमन मैं, मैंने इवनिंग एग्ज़ाम में PDF 5:30 अपलोड किया तो नहीं कोई इशू नहीं होगा। गिल OB मोड कैमरा नहीं ऑन नहीं होंदा, बिल्कुल ऑफ ऑफ होंदा है, ओपन बुक एग्ज़ाम दे विच ही
मतलब ये दा होंदा है कि तुसी सामने मतलब कि अपना नेट ऑफ करके उस तो बाद तुसी मतलब कि एग्जाम दे सकते हो, अपना अटैम्प्ट कर सकते हो। 2 घंटे बाद तीसरे घंटे के विच अपलोड करना होंदा है। थर्ड सेम की क्लासेस कदों स्टार्ट है? थर्ड सेम की बच्चे अभी अभी तो एग्जाम तो हो जाए फिर ही स्टार्ट होंगी ना, सितंबर तक चली जाएंगी क्लासेस। जशनदीप, हेलो मैम, मैम आंसर शीट अपलोड कर दी गई थी और स्पीड पोस्ट भी कर दी गई थी, स्पीड पोस्ट भी, फिर भी एग्ज़ाम में एब्सेंट शो हुआ है। बच्चों ये अपना कॉलेज से क्लियर करो या फिर पीटीयू में क्लियर करना पड़ेगा, आपको पीटीयू जाके क्लियर करना पड़ेगा या कॉलेज से क्लियर होगा। आराधना, मैं बेअंत कॉलेज भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए क्योंकि पीटीयू के अंडर है। यस बच्चे, सबके जितने भी पीटीयू के अंडर कोर्सेज हैं सबके ऑनलाइन है। कलब शर्मा, हेलो मैम, बी फार्मेसी फर्स्ट सेम रिवोल्यूशन फॉर्म का रिजल्ट, रिवोल्यूशन फॉर्म का रिजल्ट 2 महीने के बाद आता है। अच्छा क्लियर हो गया, रिपेयर एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं बच्चे तब नहीं देना, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है देने की। सोनू हरमन, मैम 6 सेम की डेट शीट कब आएगी? बी टेक 2016-19 डेट शीट, बी टेक की डेट शीट जो है वो आपकी 16-19 बैच की, उसकी बच्चे अभी नहीं मेरे को, उसकी डेट शीट तो अभी होके गई है तो उसका अभी पेंडिंग एग्ज़ाम में अगर आ जाती है तो वो देख लेना, बट मुझे उसका नहीं कोई श्योर हो रहा। मैम बाकी के पेजेस पर क्या डिटेल देनी है एक्सेप्ट फर्स्ट? और बाकी के पेज पे सिर्फ रोल नंबर, आपने एम कोड और रोल नंबर ही अपना मेंशन मतलब कि करना है। उसमें जो भी है मैं आपको उसका फॉर्मेट बता दूंगी, जो भी नया फॉर्मेट आएगा तो क्या पता उसमें चेंजेस आ जाए, इसलिए एक के बाद मैं उसके लिए अलग फॉर्मेट रेडी कर दूंगी। रवलीन सिंह, मैम इस बार होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगेगी? यस बच्चे लगेगी, लग रही है इवन। अमित कुमार, मैम जो 8 सेमेस्टर ट्रेनिंग के फाइनल ईयर वाले हैं उसका रिजल्ट आ गया है, पास हो गया हूँ, इसकी कोई DMC वगैरह भी आती है? हाँ ID पे आती है बच्चे, बट एक मंथ के बाद आई थिंक, 1-2 मंथ के बाद शो होगी। फर्स्ट पेज की डिटेल में क्या मेंशन करना है वो मैं बता दूँगी, एक ही बात मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी वो मैं बता दूँगी। मैं एक आपकी प्लेलिस्ट भी रेडी कर दूँगी जो जहाँ पर सिर्फ 2020 बैच वालों की ही वीडियोज़ होंगी, ठीक है। इंदरप्रीत मैम, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो मैम इम्पॉर्टेंट होता है, अगर कोई प्रैक्टिकल अटेंड ना करे बच्चे वो तो इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों नहीं, उसके तो ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो फेल कर दिया जाता है, ऑफ कोर्स कर दिया जाता है, वो तो अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। अर्शदीप, हाय मैम, क्या PDF बनाएं क्या के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? मैम पेपर किद्दा डाउनलोड करना और पेपर की टाइमिंग 2 आवर्स 9 to 11:30 तो 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन वी कैन अपलोड द आंसर शीट टिल 12:30। यस बच्चे 12:30 तक एग्जैक्टली आप कर सकते हो अपलोड, और उसके लिए जो आपको 3 घंटे टोटल मिलेंगे, 2 घंटे आपको राइटिंग करने के लिए और 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा जहाँ पे आप स्कैन अपलोड वगैरह वाला काम सारा कर सकते हो, और PDF जो बनानी है उसके लिए उसमें टाइम जो है 1 घंटा आपको मिला है उसमें सारा टाइम होगा। और डाउनलोड आपने ID से करना है, उसके स्टेप्स में आपको वीडियो मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट OB मोड एग्ज़ाम जो भी है उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो चेक करिए आप एक बार, और जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली मैं करती जाऊँगी। धन्याल, हेलो मैम, कल मेरा भी मेरे भाई का लास्ट एग्ज़ाम था, मॉर्निंग ही ख़त्म हो गया, इवनिंग में पोस्ट करना था तो लेट हो गया। कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज कल पोस्ट कर दे, बारिश के कारण ऑलरेडी पोस्ट वैसे भी नहीं जा रहा है तो लेट भी कर सकते हो। OB क्वेश्चन पेपर की वेटेज 4 यूनिट जो सेम आन दिया है बच्चे, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है वो चेक करिए, ऐसे नहीं होता कई बार, मतलब क्वेश्चन सभी से इक्वल भी आ सकते हैं, कोई एक चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, गिल ऐसे भी होता है। एक के बाद प्लीज़ रीड केयरफुली मैम, जैसे
हमारा रिपेयर का एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही जल्द ख़त्म हो जाता है, बट रेगुलर के सारे रहते हो अभी तो हमने रिपेयर वाला कोरियर सबसे पहले ही करना पड़ेगा या फिर लास्ट में रेगुलर वाले के साथ भी कर सकते हैं क्या? रेगुलर वाले के साथ भी कर सकते हो आप, सारे पेपर आपने इकट्ठे पोस्ट करने हैं, ठीक है? रेगुलर वालों के साथ जब रेगुलर वाले भी हो जाएंगे तो आप उसको एक ही इनवेल्प भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके एग्ज़ाम थोड़े हैं तो उसके लिए एक इनवेल्प यूज़ कर सकते हो। नीलांचल मैम, जो न्यू डेटशीट आई है मेरा थर्ड सेम का रिपेयर का है, मार्च में दिया था, एडमिट कार्ड पर डेट गलत आई थी पहले, क्या अब हो जाएगा मेरा एग्ज़ाम? एडमिट कार्ड पे जो डेट आपकी थी उसका डेट शीट चेंज हुआ था, तो यस, जहाँ पे जो नई डेट आई है वो तो 2020 बैच की है। निशांत, वो नीलांचल सैनी, मतलब कि जो भी डेट शीट है अभी 2020 बैच की आई है, अगर आपकी अमेंडमेंट आई है डेट शीट में तो तब आपका एग्ज़ाम लेट हो सकता है। निशांत कुमार मैम, जो अभी रिपेयर का एग्ज़ाम दिया हूँ उसकी रिपेयर उसकी रिजल्ट कब तक आएगी मैम? उसकी रिजल्ट भी आ जाएगी मैम। आई नीड ओबी मोर क्वेश्चन पेपर सैम्पल, मैंने इसकी लिंक में ये सेंड कर दी आपको, दो वीडियोज़ नहीं है, एक ही वीडियो है, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वो देख लेना मैम। 2020 बैच के एग्ज़ाम अगस्त के 23 तक चलेंगे, तो उस कॉलेज उसके पहले खुलने हैं कि उसके बाद? बच्चों जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं सिक्स सेमेस्टर वालों के, थर्ड ईयर वालों के, फोर्थ ईयर वालों के, तो उनके लिए कॉलेज ओपन होगा, उनके लिए जो नए एडमिशन वाले हैं उनके लिए ओपन होगा, सिर्फ 2020 बैच वालों के लिए जो है कॉलेज वो उनके लिए ऑफ रहेगा उतने दिन, ठीक है? बाकियों के लिए तो हो सकता है ओपन। एक के बाद गुड मॉर्निंग मैम, लोकेशन कहाँ से सिलेक्ट करते हैं मैम? लोकेशन जहाँ आपका जब एग्ज़ाम आएगा, जब आपका मॉक टेस्ट होगा उससे आपको सारा कंफर्म हो जाएगा कैसे क्या करना है। चंदन कुमार यादव मैम, हमारे रेगुलर पेपर का आंसर शीट और सप्ली पेपर का आंसर शीट एक साथ स्पीड पोस्ट करना है या अलग अलग? सारे ही अलग अलग नहीं करने, सारे ही इकट्ठे पोस्ट करने हैं, रेगुलर भी, रिपेयर भी, सारे पेंडिंग भी, जितने भी सारे इकट्ठे करने हैं। अभिषेक कुमार, रिजल्ट कब आएगा ओबी मोड अप्रैल 2021 का? जब एग्ज़ाम हो या आपके उसके दो मंथ लगा लो, एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अश्विनी हेलो मैम, जो एग्ज़ाम अभी होंगे अगस्त में उनका तो सितंबर अक्टूबर तक ले जाओ मतलब रिजल्ट। अश्विनी हेलो मैम, ओबी मोड वाले एग्ज़ाम की आंसर शीट मैम कॉलेज वाले चेक करते हैं या यूनिवर्सिटी वाले? यूनिवर्सिटी में से अलग अलग टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, अलग अलग कॉलेज के टीचर्स वो करते हैं, ठीक है? आर्श मैम, ओबी मोड में एग्ज़ाम है, सो आई वांट टू नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ओएमआर शीट एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। बच्चे आप एक बार मेरे चैनल पे अच्छे से विजिट करिए, यहाँ पे ओबी मोड की ही वीडियोस बनी हुई हैं, जितनी भी बनी हुई हैं वो एक बार आप चेक करिए। सुनो रूफस हाय मैम, यू हेल्प अलॉट, गॉड ब्लेस यू, मेरी एक रिपेयर थी और फिफ्थ एंड सिक्स का रेगुलर पेपर था, सभी आंसर शीट एक साथ पोस्ट करनी? यस, एक साथ करनी है। जसलीन मैम, एक होर डाउट, आंसर शीट वेरीफाई कितने टाइम च करनी होंगी? आप लास्ट वाले दिन भी, एग्ज़ाम के लास्ट दिन भी वेरीफाई कर सकते हो, बट वेरीफिकेशन आपकी शुरू जो होती है वो आपके एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के 12 घंटे बाद, 24 आवर्स बाद जाके शो होती है आपको वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन में आपकी प्रीव्यू होती है शीट, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है एक दिन छोड़ के, उसके सेकेंड डे जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? अमृतपाल, रिजल्ट कदों होना? रिजल्ट दा फाइनल वाले दा प्लीज़ रिप्लाई कर दो। फाइनल का रिजल्ट तो आ गया है, रिपेयर का रिजल्ट अभी अगस्त तक का आ जाएगा। प्रिंस कुमार मैम, अगस्त में एक जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे उसके रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली कब तक आते हैं? उसके रिजल्ट सितंबर अक्टूबर तक आ जाते हैं।
मैम एनी अपडेट ऑन 8th सेमेस्टर डीपीआर डेट्स पेंडिंग एग्ज़ाम में? शायद मे भी 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर होंगे तो उसमें ही होंगे, पेंडिंग वाला ऑप्शन आप देखो, पेंडिंग आप डेट शीट एक बार चेक करो। मैंने तो चेक नहीं करी है, सच बताऊँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो आप एक बार चेक करो। कृष्णा मैम, फर्स्ट सेम रिपेयर का रिजल्ट कब तक आएगा? फर्स्ट सेमेस्टर के रिपेयर का रिजल्ट अभी आ जाएगा, अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। ऑल सेमेस्टर नंबर काउंट्स इन CGPA प्रोविजनल डिग्री कैसे एवरेज निकालते हैं CGPA? अमित गूगल पे सर्च करो जितनी आपकी CGPA है, उसको डाल के कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो वो निकल के आ जाएगी। सारी क्लास प्लेलिस्ट दा लिंक मांग रही है मैम, प्लेलिस्ट बना दो, ओबी मोड वाली भूल ना जाओ प्लीज। हाँ गिल बना दूँगी। एक के बाद 2020 बैच के लिए भी सारी सारी आंसर इंस्ट्रक्शंस सेम ही हैं क्या फॉर ओबी मोड? यस सबकी सेम ही है, अगर चेंज आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, इसलिए आपको डेली जो नोटिस वाला वीडियो होगा वो ज़रूर देखना पड़ेगा। मतलब कि जो नोटिस वाला वीडियो डालूंगी वो ज़रूर देखना पड़ेगा, उसकी मैं 2020 बैच की अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ और वो आप चेक कर लेना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो जो भी किसी का फिर भी डाउट रहता है तो वो कल वाले अपडेट पे मेंशन कर देना, वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो, वो मैं बिल्कुल भी नहीं फॉलो करती हूँ, मैं अपडेट ही डेली अपडेट वालों को ही फॉलो करती हूँ और उनका ही रिप्लाई दे पाती हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कहाँ आपने कमेंट मेंशन करना है, कोई भी वीडियो का भी कोई आपको नोटिस के रिगार्डिंग भी कोई होता है तो वो भी डाउट आप यहीं पे कमेंट मेंशन करोगे, ठीक है? मतलब डेली के अपडेट पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।